हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके ही प्री चैनल सूरज के रिव्यू में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डंकिन मूवी के ड्रॉप टू के बारे में। ड्रॉप टू, ड्रॉप वन, ये सब मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबा चलने वाला है। डंकिन मूवी हमको दिसंबर में देखने को मिलेगी, आई थिंक 21 या 22 दिसंबर के आसपास, सालार के एक दिन पहले। ठीक है, तो इस ड्रॉप टू में ऐसा क्या खास है जिस वजह से चारों तरफ इस ड्रॉप की चर्चा हो रही है, उस बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ड्रॉप टू एक्चुअल में डंकी का मूवी का एक गाना है और काफ़ी बढ़िया गाना है जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है। डंकी मूवी में बता दूं, ये राजकुमार हिरानी जी का एक अच्छा मूवी है, ड्रीम प्रोजेक्ट में मान सकते हैं इसको। और इस मूवी में आपको मेन कास्ट में दिखाई देने वाले हैं अपने शाहरुख भाई, शाहरुख खान। और इस मूवी का जो है काफ़ी टाइम, आई थिंक शूटिंग पूरा हो गया है इसका, शूटिंग इतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो अब मेन जो छोटे मोटे जो एडिटिंग है वो सब चल रहा होगा। इस मूवी का मेन अगर आपको मैं प्लॉट बताऊं तो भाई स्टोरी इतना है कि डंकी का मतलब ये होता है कि बैकडोर एंट्री, कुछ ऐसे लोग जिन्हें डायरेक्टली कैनेडा, US या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाने को नहीं मिल पाता है IELTS के थ्रू, तो वो एक बैकडोर एंट्री करते हैं जिसे डोंकी फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, डोंकी फ्लाइट मतलब कि इलीगली किसी कंट्री में घुस जाना। तो ये मूवी शायद उसी के बेस्ड होने वाली है, पूरा प्लॉट ये उसी तरह का लग रहा है। और जिस तरह का इस ड्रॉप टू में हमको जो जेस्चर मिला है मूवी का, वो भी कुछ वही इंटरप्रिटेट कर रहा है। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि शाहरुख खान को एक शायद उसका टीचर है या कोई उनको पढ़ाते हैं, वो हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं क्लास से और वो कहीं पर ले जा रहे हैं। साइड में पीछे एक गाना चल रहा है जैसा कि हमने देखा है काफ़ी, मतलब वो गाने में जो शाहरुख है वो एक्चुअल शाहरुख नहीं है, जो हाथ पकड़ के ले गए वो एक्चुअल शाहरुख है। अच्छा गाना है, अरिजीत सिंह की आवाज़ में काफ़ी दम है और काफ़ी बढ़िया गाना ये गाया है। तो और आसपास आप देखेंगे ना एरिया, बिल्कुल वो UPSC वाला फील आ जाता है जो अपन दिल्ली में देखते हैं ना, UPSC कोटा में, दिल्ली में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उस तरह का। एक पूरी छोटी छोटी गलियां, उनमें छोटी छोटी दुकानें, किताबों की दुकानें और आसपास IELTS, TOEFL ये सब लिखा हुआ है। तो काफ़ी एक अच्छा फील आ रहा है मूवी को देख के। एक शाहरुख स्टूडेंट के रोल में यहाँ दिखाई देने वाले हैं। लास्ट का सीन है कि ताड़ना बंद करो, जब आप ऐसा पहुँच जाएंगे, जब क्लियर हो जाएगा तब ताड़ लेना, तो वो बहुत अच्छा डायलॉग लगा मेरे को। मतलब हंसी भी आई और कॉमेडी भी लगा। और जो एक्टिंग में एक्चुअल जो लगा था वो तापसी पन्नू का जो जेस्चर था वो काफ़ी मुझे शानदार यहाँ पर लग रहा है। मतलब फील एक आ रहा है कि एक अच्छा मूवी हो सकता है, लेकिन ये मेन में इस मूवी में क्या होगा वो तो आने के बाद ही हम देख पाएंगे। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना, क्योंकि इस तरह की मूवी में क्या है, थोड़ा फीलिंग इमोशन होना चाहिए। जब शाहरुख भाई एंट्री करेंगे कहीं पर किसी कंट्री में इलीगली, फिर वो जो बैकलैश दिखाएंगे, जो स्ट्रगल दिखाएंगे अपने कंट्री में वापस आने के लिए, वो कितना दमदार बनाते हैं ना ये लोग। पूरा पूरा मुझे लग रहा है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा कि एग्जीक्यूशन टीम किस तरह से यहाँ परफॉर्म करती है, किस तरह से अपने इवेंट्स को फ्रेम करती है, और डायरेक्टर पर कि उस डायरेक्टर उसे कैसे खिला के बाहर निकालता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में, डंकिन मूवी आने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उस टाइम पर। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मेरी तरफ से डंकी ड्रॉप टू के गाने को, अरिजीत सिंह की आवाज़ को मेरे 10 में से 8 नंबर दूंगा। लिरिक्स थोड़े से मुझे ऊपर नीचे लगे, उसको 7.5, पर काफ़ी अच्छा था ड्रॉप टू। और उम्मीद रहेगी और भी ड्रॉप आएँ जिससे हम और भी अच्छा इन्जॉय कर सकें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।